की बात माफ हो जाए मुझे। मुझे सब कुछ बता दे तुम्हारे तकलीफ के बारे में। और प्लीज इस वक्त घर पे मत आना, मेरी सहेली आई है। अगर वो तुम्हें ऐसे देखेगी पता नहीं क्या कहेगी। जीजा जी नमस्ते कहेंगी यार, क्या कहेंगी। और टकला हूँ कोई डाकू चोर नहीं बन गया हूँ मैं। डाकू बन जाते संजय तो झेल लेती, लेकिन कोई मुझे टकले की बीवी बोले। बस मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम आधे घंटे बाद आना। नहीं बेबी जरा प्रॉब्लम है, मुझे आना है घर। मैंने कहा ना उसे घूम के बाद आना। बाय। जाके बैठ जाओ। एक बार पीछे देख लो, बात करना छोड़ो। दादा रोल एक्शन। एक और पीछे देखो। हेलो संजय तुम कहाँ? तुम्हारे दिल में हो बेबी। दिल में ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं समझा नहीं। सोपू ने मुझे सब टकले होने की सारी बात बता दी है मुझे। और प्लीज इस वक्त घर पे मत आना, मेरी सहेली आई हुई है। तुम्हें ऐसा देखेगी तो पता नहीं क्या कहेगी। जीजा जी नमस्ते कहेंगी यार, और क्या कहेंगी। मैं टकला हूँ, कोई डाकू चोर नहीं बन गया हूँ मैं। डाकू बन जाते ना तो झेल लेती तुम्हें। तो कोई मुझे टकले की बीवी बोले। प्लीज तुम आधे घंटे बाद आना। हाँ संजू प्लीज। बेबी प्लीज मुझे आने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। आधे घंटे बाद आना। बाय। वापस आ गई। हाँ कर दो रोल दूसरा वाला भी। दबाओ संजय। रोले ये समाजी उठिए। हाँ ये सही है। कीप रोलिंग। चोर 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 भागो। ओके कट मैच हो जाएगा। हम लोग किटी पार्टी कर रहे हैं और इस पे कश्मीरा को पता चल जाता है कि कुछ केमिकल लोचा होने की वजह से संदीप के बाल गायब हो गए हैं। तो वो मना करती है कि आप पार्टी में मत आना, शर्मिंदा ना होना पड़े सहेलियों के सामने। लेकिन किसी न किसी तरह से उनके सामने आ जाते हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से आते हैं। तो आप देखिए आपको बड़ा मजा आएगा कि किस तरह से सामने आते हैं। एक केमिकल लोचा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, हुआ था क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली ये बाल शाइन करने वाला कोई प्रोडक्ट था और गलती से वो स्किन वाला प्रोडक्ट दे दिया गया बालों की जगह। तो ये जैसे स्किन को क्लीन करता है ऐसे बाल को सर से क्लीन कर देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है और गलत फहमी में भूपेश ने उसे वो दे दिया और उसके बाल साफ हो गए हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है और अब देखिए बहुत मजेदार देखा जाता है कि एक तरफ भूपेश जी उनके उनके बाल साफ करते हैं पूरे तरह से, दूसरी तरफ बहन को भी वही बता रहे, दीदी को भी वही बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भूपेश का और मेरा काम ही यही है, एक तरफ आग लगाना और दूसरी तरफ आग और भड़काना कि उसमें घी डाल दिया जाए ताकि और भड़के। और बुझाने के लिए भी हम लोग मजबूर करते हैं, इस तरह से हर एक चीज हम लोग करते हैं। okay, फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत कंपटीशन है, तो रोने धोने वाले प्रोग्राम देख करके अपने आप को और टेंशन मत दीजिए।
हमारा शो देखिए, हंसिए, खूब इंजॉय कीजिए और अपने पैसे वसूल कीजिए। कुछ नहीं करना, बस ठीक है, ये इतना पोर्शन, उसके बाद सब पहना के किसी तरह बस एंट्री लूंगा यहाँ से, कि वहां से कपड़े लेके आया कबर्ड से, हाँ ये टॉवेल यहाँ आके खोल दिया और फिर वो लाल वाली सिर्फ वो दरवाजा आने तक ही खोल, दो बार करना तो इसको सर ऐसे कर देता हूँ, मैं जरा फेसिंग एक बार में करते हैं। अरे इधर जूम नहीं लग